उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं जी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े को और झटपट रेसिपी लेके आई हूँ, दही वाले आलू। दही वाले आलू के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, आलू हमने ले लिए हैं 1 किलो, छोटे आलू लेने हैं इसके। ये देखें, ये वाला साइज़ होना चाहिए आलूओं का। अभी ये बहुत गर्म हो रहा है, अगर ये वाला साइज़ ना मिले, इससे बड़ा मिल जाए तो आप इसको बीच में से काट सकते हैं। 1 किलो आलू लेके मैंने इसको 20 मिनट, क्योंकि ये साबुत ही बॉईल होंगे, 20 मिनट आपको इसको बॉईल करना है। उसके बाद आप इसको पानी का सोक कर लें। और ये देख लें, ये आपके सामने है 1 किलो आलू, जो बड़े थे उनको बीच में से कट कर दिया है। उसके अलावा हमें 2 बड़ी प्याज चॉप चाहिए, 2 टमाटर चॉप चाहिए हमें, 1.5 प्याली हमें दही की चाहिए क्योंकि ये दही वाले आलू हैं। मसालों में जो जो हमें चीज़ें चाहिए, ये ग्रेवी का मसाला है हमारे पास, ग्रेवी के मसाले के लिए हमें चाहिए कड़ी पत्ता, मुट्ठी भर के ले लीजिएगा, कड़ी पत्ते का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इसमें। उसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्चें चाहिए हमें, कश्मीरी लाल मिर्चें बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े का मज़ा देती हैं। ये 2 से 3 ले लीजिएगा क्योंकि ये बड़ी बड़ी होती हैं। हसबे ज़ायका नमक लेना है हमें, 1.5 चम्मच हल्दी लेनी है हमें, 1.5 चम्मच हमें लाल पीसी हुई मिर्चें लेनी है, साबुत ज़ीरा लेना है। गरम मसालों में हमें जो चीज़ें चाहिए, लौंगे और इलायची चाहिए, 4 लौंगे ले लीजिएगा, 2 काली मिर्चों का 1 चम्मच लेंगे हम, अभी मैं डालूंगी, निकालना भूल गई हूँ, 2 चम्मचे हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। चलें तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें जी। तो देखिए, सबसे पहले हमें आलू रोस्ट करने हैं। आलू रोस्ट करने के लिए ये मैंने लाल पीसी हुई मिर्ची डाली और ये हल्दी डाली है 1/2 चम्मच, और इसको मिला के हम आलू करेंगे रोस्ट। ऑयल जो है मैंने 2 चम्मच डाला है, ये हमने कर लिया। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, बॉल भी अच्छा खासी गर्म हुआ हुआ है। ये देखिए, ये हमने डाले आलू, आलूओं को हमने अच्छे से फोल्ड करना है ताकि इस पर कलर चढ़ जाए। बेसिक रीज़न ये हैगा कि इसके ऊपर कलर चढ़ जाएगा, और ध्यान से करिएगा आलू टूटे ना जी। तो आप देखें, इसको मैंने 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है आलूओं को। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी बोल में, और जब आप बॉईल करेंगे आलू तो 2 चम्मच नमक डाल दीजिएगा, ताकि उसका, आपको पता है आजकल आलू मीठा आ रहा है इसलिए जी। तो उसी पैन में मैंने 1/2 प्याली तेल डाल दिया है, उसमें मैंने इलायचियाँ और लौंगे डाल दी हैं। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ, बल्कि पहले हम प्याज डाल लेते हैं इसमें, ताकि हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो हमें नरम कर लेना है प्याज को। कुछ लोग मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, मैं ज़्यादा मसाला रखूँगी। ये हमने करनी है गरम, नरम बल्कि, सॉरी जी। तो अब हमने सारे मसाले डालने हैं, ये हमने मसाले डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। मसालों को भूनते ही हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि हम अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे इसमें। ये डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसी को भूनते भूनते हम इसमें शामिल कर लेंगे टमाटर। मसाला बहुत मज़े का बनेगा इसका। बस इसको हम करके और 2 मिनट हम इसको ढक के रख देंगे। जी तो अब देखें आप, अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है,
हमें क्या करना है, थोड़ा टेस्ट करके हमने इसमें डालना है कड़ी पत्ता और कश्मीरी मिर्च। ये डालने के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। ये हमने की दही शामिल, अच्छा दही जब हम शामिल कर लेंगे तो हम स्पाइसेस बढ़ा देंगे इसमें थोड़े से। ये तो ब्लैक पेपर जा रहा है जो मैंने आपको बताया था 1 टेबल स्पून डालना था, लाल मिर्चे 1/2 चम्मच और डालूंगी क्योंकि हमें जल्दी में ही बनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट इसी में बना देती हूँ हल्दी। बस दही के साथ हम स्पाइसेस थोड़े से बढ़ा देंगे क्योंकि आपको पता है दही जो है वो लेवल नहीं कर सकती, फिर मसाले कम रह जाएंगे आलूओं के हिसाब से। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक हम टेस्ट करेंगे पहले। नमक आप इस पॉइंट पे टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते इसमें। ये हमने कर लिया मिक्स और मैं इसको 5 मिनट तक इसी तरह छोड़ दूंगी। जी तो आफ्टर 5 मिनट देखिए क्या ज़बरदस्त की हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं। ये गए आलू और ये इसका मसाला हम इसी में डाल देंगे। इसको हम करेंगे मिक्स। बस हम इसको आलूओं में हमने नमक डाला था बॉईल करते हुए तो इसलिए हमें इतना वो नहीं है कि आलू में नमक नहीं है, आलू में नमक है और हमने मसाले के साथ इसको रोस्ट भी किया है। तो अब हम इसको रख देंगे दम पे। 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे ताकि हमारे आलू जो हैं उसमें मसाला रच बच जाए कैप करके। जी तो हमारे दही वाले आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।